मैं शिवकांत गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हरारे में टीम इंडिया जब तीसरा वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मन में एक ही बात चल रही होगी और वो होगी विदेशी जमीन पर वो कमाल जो अब तक वो नहीं कर पाए हैं, जिसका इंतजार उनको 9 सालों से है। जी हाँ, तीसरे वनडे में धोनी के पास एक तीर से 2 शिकार करने का आसान सा मौका होगा। आसान इसलिए कि जिम्बाब्वे अभी तक कुछ भी जो है अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं कर पाई है, ऐसा खेल नहीं दिखा पाई है जिससे कि भारत के सामने कोई मुश्किल हो। वनडे सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त प्राप्त धोनी के सामने 3-0 से जीत कर विदेशी जमीन पर व्हाइट वॉश करने का एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है जो अब तक वो नहीं कर पाए हैं बतौर कप्तान। जी हाँ, बतौर कप्तान माही विदेश में वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का ये पहला मौका प्राप्त कर चुके हैं। इससे पहले धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया सिर्फ 2 बार कोई वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर चुकी है, 2008 और 2011 में। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5-0 से हराया था और ये कामयाबी जो है भारत में ही मिली थी अगर बात की जाए टीम इंडिया की। तो अब एक बहुत बड़ा मौका होगा भारत के पास जिम्बाब्वे के खिलाफ, और या कहूं कि धोनी के पास जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप करने का। टीमों की अगर बात की जाए तो भारत की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है और अब धोनी ने जैसा कहा था दूसरे वनडे की जीत के बाद कि बॉलिंग डिपार्टमेंट तो ठीक है, बैटिंग डिपार्टमेंट में कुछ चेंज करना चाहेंगे। यानी कि अगर मनीष पांडे खेलते हैं बाती रायडू की जगह तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि किस किस को मौका मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि जिनको मौका मिला, जैसे अंबाती रायडू को मिला या केएल राहुल को मिला, उन्होंने इस मौके को भुनाया है और देखना ये होगा कि क्या वो अपना जो जगह है, स्थान जो है, वो पक्का कर पाते हैं भारतीय ए टीम में, क्योंकि ये बी टीम है। जहां तक बात की जाए जिम्बाब्वे की तो अभी तक कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा है जिससे उम्मीद करें कि तीसरा वनडे रोमांचक होगा, तो एक तरफा मुकाबले के लिए तैयार रहिएगा। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।